रिच डैड पुअर डैड बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताती है। अगर आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बुक इसी के बारे में बताती है। रिच बनने के लिए ढेर सारा पैसा ही काफ़ी नहीं है। मनी मैनेजमेंट, पैसे से पैसे बनाना, ये सब भी अमीरी की तरफ ले जाती है। इसलिए जो अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, ये किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक बहुत सारा भ्रम तोड़ती है जो पैसे को लेकर लोगों के बीच में बनी हुई है। चलिए मैं इस बुक को पॉइंट वाइज करके स्क्राइब करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। पहला है, गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। डर और लोग ज़्यादातर लोगों के जीवन में मजबूर बना देती है। लोग पैसा का कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो नई चीज़ें खरीद लेते हैं। यही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर कर देती है, और ये डर कि वो अपने बिल नहीं चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो और कड़ी मेहनत करने लगते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। इसी को रिच डैड रैट रेस कहते हैं। लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लेके आओ और फिर अच्छी से एक जॉब ढूंढ लो। अगर कुछ अलग ट्राई करोगे तो तुम असफल हो जाओगे, और यही बात लोगों को रेट रेस से निकलने नहीं देती। ये बात सच है कि रेट रेस के हिस्सा बनने से आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि आप जब तक रेट रेस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अमीर नहीं बन पाएंगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे, पूरा जिंदगी बोरियत भरी जिंदगी जीना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले हिम्मत करके रेट रेस से बाहर निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसा के लिए काम न करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंस के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। फाइनेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें ये कमी होती है वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं पर बाद में उसे गंवा देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को काम करने का तरीका और उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज के कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। आसान भाषा में समझे तो एसेट और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क, असल जिंदगी में ये सुनने में बहुत आसान है लेकिन समझने में बहुत कठिन। बहुत सारे लोग लाइबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटीज वो है जो आपके जेब से पैसा निकाले। लोग लाइबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं, गाड़ी घर लग्जरी चीज़ें, पर ये असल में ये लाइबिलिटीज है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक ये आपको पैसा कमा के न दे। अगर आपके घर को रेंट पर दे दिया जाए और उससे आपको इनकम हो रही है तब वो आपके एसेट कहलाएगी। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अपने एसेट को बढ़ाएं और लाइबिलिटीज को कम करें, तभी आप अमीर बन पाओ। तीसरा, अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करना। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकडोनल्ड के मालिक किस चीज़ का बिजनेस करते थे तो आपका जवाब होगा बर्गर और पिज़्ज़ा का, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बर्गर के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए आज वो इतना अमीर बन पाए। आप भी जॉब के साथ पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू करके ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। चौथा, अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, इलन मस्क, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखते हैं और उसी के इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ को देखते हैं और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा किए। यही उन्हें अमीर बनाया और सफल भी बनाया। चलिए अब हम इस बुक के कुछ मुख्य पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो हमको अमीर बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।
फाइनेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक। एसेट बनाएं, अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिलने वाले पैसे से फिर लाइबिलिटीज खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसे को इन्वेस्ट करने में लगाएं, जिससे आपको एसेट बढ़ेंगे। पैसे से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसे के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने में डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक्स के साधारण चीज़ों को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं अच्छी स्किल और नॉलेज से। ये कभी ना कहें कि ये मैं नहीं खरीद सकता। जब हम कहते हैं कि ये नहीं खरीद सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछें, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी आपका दिमाग उसे हासिल करने के लिए नए नए आइडियाज क्रिएट करेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।